हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मैप्स के बारे में। तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप के देश देखेंगे, उनकी राजधानियाँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात की थी? अफ्रीका महाद्वीप और उसके देश और उनकी राजधानियाँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूरोप और ऑस्ट्रेलिया देखने के बाद ये पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। विश्व का जो भूगोल है, जो आपका मैप्स का पार्ट है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हैं, आपके जितने भी लेक्चर अभी तक खत्म हुई हैं क्लासें, वो सभी मैप्स के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। और इतना पढ़ने के बाद आपको वर्ल्ड मैप से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने इसमें देखे हैं सभी लेक्चरों में, ठीक है। तो पूरा आपका वर्ल्ड मैप खत्म। अब कुछ इंडिया के पार्ट बचा हुआ है अपने भारत का, तो उसे हम लोग देखेंगे। तो एशिया की बात करें मैप्स में, तो देखिए आपका ये आपका एशिया है, रूस, मंगोलिया, चीन, भारत, ये पूरा आपका एशिया है। ये आपका यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, और ये आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम बात करने वाले हैं एशिया के बारे में, इसके बारे में, ठीक है। ये आपका पूरा एशिया, एशिया में बता दें देशों देश कौन कौन से देश हैं एशिया में शामिल, तो यानी कि एक बार मैप्स में आप लोग स्थिति याद रख लीजिए और याद रखिए हमेशा। ऊपर से ये आपका रूस है, देखिए यहाँ आपका रूस, मंगोलिया, चीन, उत्तर कोरिया, यहाँ दक्षिण कोरिया, देखिए देखिएगा मैं हूं ना दिखाने वाला, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, फिर यही आपका जापान, जापान देखिएगा, ये जापान, ठीक है। उसके नीचे आए अपन, तो यहाँ आपका ताइवान हो गया, ताइवान, इसके बाद आपके फिलीपींस हो गया, और ये आपका जाता है कहाँ तक, न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी तक, ठीक है। इंडोनेशिया, जकार्ता, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये सभी आपके एशिया महाद्वीप में ही देश हैं, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद आपका अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया, तुर्की, सीरिया, इराक, इराक, ये ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सऊदी अरब, इजराइल, ठीक है। ये आपके यहीं आपके, ठीक है, यहाँ तक आपके तुर्की, सीरिया, यहाँ तक देखिए। याद रखिए कुछ देश ऐसे, ये साइप्रस हो गया, कुछ देश ऐसे हैं आपके जो यूरोप में भी आते हैं और एशिया में भी आते हैं, जैसे आपका तुर्की हो गया और रूस हो गया, ये आपका एशिया में महाद्वीप में भी आते हैं और आपके यूरोप में भी। तो चलिए एक बार हम लोग की जो बुक्स है उसमें देख लीजिए स्थिति। तो ये हो गया आपका एशिया का पूरा मानचित्र, इसमें आपका रूस, इसकी राजधानी मॉस्को है, मंगोलिया, अलवा, उलन बटोरे, इसकी राजधानी, उत्तर कोरिया जिसकी राजधानी पेंग प्यांग, दक्षिण कोरिया जिसकी राजधानी सियोल है, जापान टोक्यो, ताइवान इसकी राजधानी ताइपे है, फिलीपींस इसकी राजधानी आपकी मनीला है, ठीक है, हांगकांग है, मकाऊ यहीं है, ये आपका न्यू गिनी है, ये पूर्वी तिमोर है, जकार्ता है इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, बुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, इनकी राजधानी लिखी हुई है हनोई हो, थाईलैंड, बैंकॉक इसकी राजधानी, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, चीन की राजधानी बीजिंग है, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ये हमारा प्यारा भारत, नई दिल्ली, ठीक है, ओमान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, साइप्रस, तुर्की, कजाकिस्तान, ये हैं आपके पूरे एशिया
एशिया महाद्वीप के देश। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एशिया के देश और उनकी बारे में जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो इसमें पहला है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इसे स्वतंत्रता की बात करें तो 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी। शासन प्रणाली है यहाँ की इस्लामिक गणतंत्र। राष्ट्रीयता अफगान। भाषा यहाँ की दारी आधिकारिक है और पास्तू भी आधिकारिक है, तुर्क भी बोली जाती है। मुद्रा है अफगानी। कुल क्षेत्रफल है 6,47,500 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं इसके चीन, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद रखिए अफगानिस्तान से हमारी भी सीमा लगती है पीओके वाले हिस्से की। ठीक है, तो वो विवादित क्षेत्र है इसलिए कई बार कई मैप्स में नहीं दिया जाता है। तो याद रखिए सबसे कम हमारी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। इसके प्रमुख शहरों की बात करें तो काबुल, कंधार, हेरात, जलालाबाद, कुदुन, कुंदुज, कजनी। धर्म की बात करें तो यहाँ सुन्नी मुस्लिम 80% हैं और शिया मुस्लिम 19% के करीब हैं। ठीक है, फिर आता है आपका आर्मेनिया। तो इसकी राजधानी है एरेवान। इसे स्वतंत्रता मिली 21 सितंबर 1991 को सोवियत संघ से। शासन प्रणाली यहाँ गणतंत्र है। भाषा है आर्मेनियन और यहाँ की जो मुद्रा है वो है ड्राम। कुल क्षेत्रफल है 29,800 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं अजरबैजान, जॉर्जिया, ईरान, तुर्की। प्रमुख शहर हैं एरवान, अलवर्दी, वर्डेनिस। राजधान यहाँ का धर्म है ईसाई। फिर है आपका अजरबैजान। इसकी राजधानी है बाकू। अजरबैजान को स्वतंत्रता मिली आपकी 30 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से। शासन प्रणाली यहाँ गणतंत्र है। यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं जेरी, रूसी, अर्मेनियाई, लेजगी। मुद्रा है अजरबैजानी मन। इसका क्षेत्रफल है 86,600 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं अर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान, रूस, तुर्की। प्रमुख शहर हैं बाकू, कुर्दमीर, सोनकवाबिर्द और धर्म है आकर इस्लाम। बहरीन, बांग्लादेश क्या है एशिया में? बहरीन। इसकी राजधानी है पनामा। बहरीन की राजधानी। इसे स्वतंत्रता की बात करें तो 15 अगस्त 1971 को इसे स्वतंत्रता मिली। कब मिली? 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन से। ठीक है, इसे मनामा, इसकी राजधानी मनामा है। ठीक है, इसे स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1941 को ब्रिटेन से। यहाँ की शासन प्रणाली की बात करें तो संविधानिक राजशाही है। ठीक है, इसके भाषा की बात करें तो अरबी बोली जाती है, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू भी। मुद्रा की बात करें तो बहरीन दिनार यहाँ की मुद्रा है। कुल क्षेत्रफल है 665 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश में चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है आपका बहरीन। ठीक है, इसके प्रमुख नगरों की बात करें तो मनामा, मनामा, मिना सलमान, मदीना ईसा और अबाली। यहाँ का धर्म है मुस्लिम। बांग्लादेश है आपका एशिया में। बांग्लादेश याद रखिए बांग्लादेश से सबसे ज्यादा भारत की सीमा लगती है, 4,076 किलोमीटर। राजधानी ढाका। क्या है इसकी राजधानी? ढाका। स्वतंत्रता मिली है 16 अगस्त 1971 को पाकिस्तान से। जो आपका 1971 का पाकिस्तान से युद्ध हुआ था इसी कारण से हुआ था, तभी इसे स्वतंत्रता मिली थी। यहाँ की शासन प्रणाली है आपकी संसदीय लोकतंत्र। भाषा है बंगला और अंग्रेजी। मुद्रा है टका। कुल क्षेत्रफल है इसका 1,44,000 वर्ग किलोमीटर। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो बर्मा और भारत। ठीक है, म्यांमार और भारत। प्रमुख शहर हैं ढाका, राजशाही, मैमनसिंह, रंगपुर, नारायणगंज, चिटगांव। मुस्लिम और हिंदू यहाँ का धर्म है।
अगला देश है आपका भूटान, इसकी राजधानी है थिम्पू। भूटान को स्वतंत्रता मिली 8 अगस्त 1949 को, भारत से अलग होकर भूटान बना था। शासन प्रणाली की बात करें तो संक्रमणकालीन लोकतंत्र व संवैधानिक राजशाही है। भाषा है जोंग खा, आधिकारिक है नेपाली भाषा भी यहाँ बोली जाती है। मुद्रा है निगुल डरम, वो भारतीय रुपया में। कुल क्षेत्रफल है 47,000 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं भारत और चीन। प्रमुख शहर हैं थिम्पू, तोकसा, तासीगांव। यहाँ का धर्म है बौद्ध और हिंदू। अगला अपना देश है ब्रुनेई, इसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगुन वन। इसे स्वतंत्रता मिली 1 जनवरी 1984 को ब्रिटेन से। यहाँ की शासन प्रणाली है आपकी संवैधानिक राजशाही। और भाषा की बात करें तो मलय और चीनी है यहाँ की भाषा। मुद्रा है ब्रुनेई डॉलर, और जो इसका क्षेत्रफल है 5,770 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है इसका मलेशिया। प्रमुख शहर है बंदर मेरी बेगावान और सुकांग बांगर मुआरा। धर्म यहाँ का मुस्लिम धर्म और ईसाई, मुस्लिम बौद्ध और ईसाई यहाँ पाए जाते हैं। कंबोडिया, अगला देश है हमारा कंबोडिया। इसकी राजधानी नेहोम पेन। स्वतंत्रता मिली से 1 नवंबर 1953 में फ्रांस से। शासन प्रणाली है संवैधानिक राजशाही। भाषा है खमेर, आधिकारिक है अंग्रेजी, फ्रेंच भी यहाँ बोली जाती है। मुद्रा है रियल। क्षेत्रफल है इसका 1,81,040 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1,81,040 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। प्रमुख शहर है नोम पेन है, एस्ट्रोइंग ट्रेंग, कैंपांग चेंग, कैपांग चेंग। धर्म है बौद्ध। अगला देश है आपका चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग। इसे स्वतंत्रता मिली 1 अक्टूबर 1949 को। वर्तमान साम्यवादी सरकार की स्थापना है यहाँ। शासन प्रणाली कैसी है? साम्यवादी। भाषा है चीनी मंडायरिन। मुद्रा है युआन, वो इसका क्षेत्रफल है आपका 95,96,960 वर्ग किलोमीटर। चीन के पड़ोसी देशों की बात करें तो आपका भूटान, बर्मा, भारत, कजाकिस्तान, उत्तर कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, वियतनाम, ये सभी देश आपके चीन के पड़ोसी देश हैं। प्रमुख शहर हैं बीजिंग, संघाई, ल्हासा, सैनयांग, नानजिंग। धर्म है चीन का ताओ, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम। अगला आपका देश है एशिया में साइप्रस। साइप्रस देश की राजधानी है निकोसिया। स्वतंत्रता मिली 1 अक्टूबर 1960 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है यूनानी और तुर्क। मुद्रा है साइप्रस पाउंड। कुल क्षेत्रफल है 9,250 वर्ग किलोमीटर, और ये आपका चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके प्रमुख शहर हैं निकोसिया, लिमासोल, लरकाना। यहाँ की धर्म है जो ग्रीक है और मुस्लिम है। अगला है आपका जॉर्जिया, इसकी राजधानी है तबलिसी। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 9 अप्रैल 1991 को सोवियत संघ से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है जॉर्जियन, रूसी और अजेरी। मुद्रा है लारी। कुल क्षेत्रफल है 69,700 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है अर्मीनिया, अजरबैजान, रूस, तुर्की। ठीक है, और इसके प्रमुख शहर हैं तबिलिसी, गोरी, सोकुमी, जुगदीदी, रस्तवी, बतूमी। यहाँ का धर्म है ईसाई और मुस्लिम। फिर है आपका हांगकांग, इसकी राजधानी हांगकांग है। इसे स्वतंत्रता मिली 1 जुलाई 1997 को, चीन को हस्तांतरण। यहाँ की शासन प्रणाली है चीन व्यवस्था खान है। भाषा है चीनी और अंग्रेजी। मुद्रा है हांगकांग डॉलर। क्षेत्रफल है 1,052 वर्ग
वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश है चीन, और धर्म है आकर क्षेत्रीय मिश्र धर्म है। फिर आपका एशिया में ही है आपका प्यारा भारत, क्या है भारत, राजधानी है नई दिल्ली, स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से, शासन प्रणाली है संघीय गणतंत्र, भाषा है हिंदी अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषाएं, मुद्रा है भारतीय रुपया, क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देशों में आपके बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, चीन, नेपाल, पाकिस्तान शामिल हैं। ठीक है, प्रमुख शहर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, और धर्म यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ सभी धर्म पाए जाते हैं। फिर आपका इंडोनेशिया, इसकी राजधानी है जकार्ता, स्वतंत्रता मिली 27 दिसंबर 1949 को, 27 दिसंबर 1949 नीदरलैंड से, पहले ये इस पर किसका कब्जा था, नीदरलैंड का, शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है यहाँ की इंडोनेशियाई भाषा और चीनी भी, मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया, कुल क्षेत्रफल है इसका 19,19,400 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है पूर्वी तिमोर, मलेशिया, प्रमुख शहर है जकार्ता, जावा, सुमात्रा, मेडान, पॉन्टियानक, धर्म है मुस्लिम, ईसाई और हिंदू धर्म यहाँ निवास करते हैं। फिर है आपका ईरान, इसकी राजधानी है तेहरान, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान, इसे स्वतंत्रता मिली 1 अप्रैल 1979 को, इस्लामिक क्रांति, यहाँ का जो शासन प्रणाली है वो है आपकी इस्लामिक गणतंत्र, भाषा है फारसी तुर्क भाषा, मुद्रा है रियाल, क्षेत्रफल है इसका 16,48,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान, इसके पड़ोसी देश हैं। प्रमुख शहरों की बात करें तो तेहरान, तबरीज, मसद, करमनसाय, बंदर, अब्बास, यहाँ का धर्म है मुस्लिम। फिर है आपका इराक, इसकी राजधानी है बगदाद, स्वतंत्रता मिली 3 अक्टूबर 1932 में ब्रिटेन से, शासन प्रणाली है संसदीय लोकतंत्र, भाषा है अरबी, कुर्द भाषा है, मुद्रा है दीनार, कुल क्षेत्रफल है 4,37,072 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं ईरान, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की, प्रमुख शहर है बगदाद, करबला, समारा, नजफ, धर्म है मुस्लिम। ठीक है, फिर आपका इजराइल, एशिया का अगला देश क्या है, इजराइल, इसकी राजधानी है तेल अवीव, स्वतंत्रता मिली 14 मई 1948 को, यहाँ की शासन प्रणाली है आपकी संसदीय लोकतंत्र, भाषा है हिब्रू, आधिकारिक है अरबी और अंग्रेजी भी यहाँ यूज की जाती है, मुद्रा है सेकेल, कुल क्षेत्रफल है 20,770 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है मिस्र, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, प्रमुख शहर हैं एरूसलम, तेल अबीब, नेतान्या, डेमोना, बियर सेवा, धर्म यहाँ का यहूदी, यहूदी और मुस्लिम निवास करते हैं। फिर आपका जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो, इसे स्वतंत्रता मिली 3 मई 1947 को, शासन प्रणाली की बात करें तो संविधानिक राजशाही के साथ संसदीय सरकार भी, भाषा है जापानी, मुद्रा है एन, कुल क्षेत्रफल है 3,77,835 वर्ग किलोमीटर। जो जापान है ये सभी ओर से समुद्र से घिरा हुआ है देश है, इसके प्रमुख शहर हैं टोक्यो, बोकोहामा, हिरोशिमा और नगोया, धर्म है सेंटो और बौद्ध। बांग्लादेश है आपका जॉर्डन, इसकी राजधानी है अम्मान, इसे स्वतंत्रता मिली 25 मई 1946 को ब्रिटेन से, ठीक है, पहले इस पर ब्रिटेन का कब्जा था, शासन प्रणाली है संविधानिक राजशाही, भाषा है अरबी अंग्रेजी, मुद्रा है दीनार, कुल क्षेत्रफल है 92,300 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं इराक, इजराइल, सऊदी अरब, प्रमुख शहर है अम्मान, इरबिल, अल कराए, कराब,
धर्म है आपका मुस्लिम और ईसाई। बांग्लादेश है आपका कजाकिस्तान, इसकी राजधानी है अलवाटा, अलमाटा। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 16 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के बिघटन से। शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है आपकी कजाक और रूसी, मुद्रा है टैंग। कुल क्षेत्रफल है यहाँ का 27,17,300 वर्ग किलोमीटर, 27,17,300 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं चीन, किर्गिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। प्रमुख शहर है अस्ताना, ओरल, कुस्ताने, कारागांडा, किजी लोडो। धर्म है मुस्लिम, रूसी, रूढ़िवादी। ठीक है, मुस्लिम भी है, रूसी रूढ़िवादी यहाँ रहते हैं। बांग्लादेश है आपका उत्तर कोरिया, क्या है उत्तर कोरिया। राजधानी है प्योंग त्यांग, प्योंग प्यांग। स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1945 को जापान से। शासन प्रणाली है साम्यवादी देश, भाषा है कोरियाई, मुद्रा है वॉन। कुल क्षेत्रफल है 1,20,540 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है चीन, दक्षिण कोरिया, रूस। प्रमुख शहर है प्योंग प्यांग, हमयांग, चोंगजिंग, हंगनाम। धर्म है बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियनिस्ट। ठीक, फिर आपका दक्षिण कोरिया, एशिया का अगला देश क्या है, दक्षिण कोरिया, सियोल, इसकी राजधानी सियोल। स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1945 को जापान से। शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है कोरियाई अंग्रेजी, कोरियाई भी यूज की जाती है, अंग्रेजी भी। मुद्रा है वॉन। कुल क्षेत्रफल है 98,480 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं उत्तर कोरिया। प्रमुख शहर है सियोल, तोंगहाई, बोंजू और बुसान। धर्म है आका ईसाई और बौद्ध। ठीक है, अगला देश है आपका एशिया में कुवैत, इसकी राजधानी है कुवैत शहर। इसकी राजधानी क्या है, कुवैत शहर। इसे स्वतंत्रता मिली 19 जून 1961 को ब्रिटेन से, यानी कि पहले इस पर ब्रिटेन का कब्जा था। शासन प्रणाली यहाँ की संवैधानिक राजशाही, किस तरह की है यहाँ की शासन प्रणाली, संवैधानिक राजशाही। भाषा है अरबी अंग्रेजी, मुद्रा है दीनार। कुल क्षेत्रफल है 17,820 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं इसके इराक, सऊदी अरब। प्रमुख शहर हैं कुवैत, हवाली, मीना अल अहमदी, अस सलीमी, सलीमी यार है। ठीक है, धर्म है आपका मुस्लिम। फिर आपका एशिया में अगला देश किर्गिस्तान, इसकी राजधानी है बिश्केक। स्वतंत्रता मिली इसे 31 अगस्त 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद। शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है किर्गिज रूसी और यहाँ की मुद्रा है सोम। कुल क्षेत्रफल है इसका 1,98,500 वर्ग किलोमीटर। और जो इसके पड़ोसी देश हैं चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और प्रमुख शहर है इसमें कि बिस्केक, तोकमाक, होस, काराकुल। यहाँ का धर्म है मुस्लिम, रूसी, रूढ़िवादी। ठीक है, फिर आपका लाओस, इसकी राजधानी है वियतियान। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 19 जुलाई 1949 को फ्रांस से। शासन प्रणाली है साम्यवादी देश और भाषा है लाओ फ्रेंच अंग्रेजी, मुद्रा है किप। क्षेत्रफल है 2,36,800 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं बर्मा, कंबोडिया, चीन, थाईलैंड, वियतनाम। प्रमुख शहर हैं बेंटियन, सवाना के, फांगसाली, लुआंग, नामथा। यहाँ का धर्म है आपका बौद्ध। ठीक है, फिर अगला देश है आपका लेबनान, लेबनान, इसकी राजधानी बेरूत। इसे स्वतंत्रता मिली आपकी 22 नवंबर 1943 को फ्रांस से। शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है अरबी, फ्रेंच, अंग्रेजी, मुद्रा है लेबनानी पाउंड। कुल क्षेत्रफल है इसका 10,400 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं इजराइल, सीरिया और प्रमुख शहर है बेरूत, जेजिन, हरमेल। धर्म है यहाँ का मुस्लिम, ईसाई।
अगला देश है हमारा मकाऊ। मकाऊ चीन का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। स्वतंत्रता मिली थी 1999 में, चीन का हस्तांतरण। शासन प्रणाली है चीन व्यवस्था का अंत, और भाषा है कैंटोनीज मंडारिन। मुद्रा है पटाका। क्षेत्रफल है 28.2 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है चीन। धर्म है बौद्ध ईसाई। अगला देश है हमारा मलेशिया। इसकी जो राजधानी है वो है क्वालालंपुर। क्या है इसकी राजधानी? क्वालालंपुर, देख लीजिए जो भी हो। ठीक है, कभी कभी प्रो नाम सुन ऐसा होता है उच्चारण सही से नहीं, कई शब्द ऐसे होते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। स्वतंत्रता 31 अगस्त 1957 को मिली। प्रणाली यहाँ की संवैधानिक राजशाही। अब आप लोगों की स्क्रीन के सामने है तो आप मतलब सुधार दिया करो यार। ठीक है, इतना तो आप लोग समझदार हैं। भाषा है मलेशियाई भाषा, अंग्रेजी, चीनी, तमिल, तेलुगु। मुद्रा यहाँ की रिंगिट। क्षेत्रफल है 3,29,750 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं ब्रुनेई, इंडोनेशिया, थाईलैंड। प्रमुख शहर हैं क्वालालंपुर, ताइपिन, ताइपिन, जॉर्ज टाउन, सरेवन। धर्म है मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, हिंदू। यहाँ अगला देश है आपका मालदीव। कौन सा? मालदीव। इसकी राजधानी है माले, और इसे स्वतंत्रता मिली 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है धी वेई वेई अंग्रेजी। मुद्रा है रुपया। कुल क्षेत्रफल है 300 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश में चारों ओर से आपका ये समुद्र से घिरा हुआ है। प्रमुख शहर माले। धर्म है आपका मुस्लिम। फिर है आपका म्यांमार। अगला देश है आपका म्यांमार। इसकी राजधानी नायपीड़ा, और जो स्वतंत्रता मिली से 4 जनवरी 1948 को मिली ब्रिटेन से। शासन प्रणाली है लोकतंत्र। भाषा है बर्मी, और मुद्रा है क्या, और जो क्षेत्रफल है इसका 6,78,500 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, चीन, भारत, लाओस, थाईलैंड। प्रमुख शहर हैं रंगून, नेपीतो, प्रोम, भामा, मांडले, बोगान। धर्म यहाँ का बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम रहते हैं। ठीक है, अगला हमारा एशिया में ही मंगोलिया। अगला देश क्या है? मंगोलिया। इसकी राजधानी है उलन बटोर। स्वतंत्रता मिली से 11 जुलाई 1921 को चीन से। शासन प्रणाली है संसदीय, और भाषा है खालका, मंगोल, रूसी और तुर्क। मुद्रा है तुगरे, और कुल क्षेत्रफल है 15,64,116 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है चीन, रूस। प्रमुख शहर हैं उलान बाटर, उलियास्ते, दरहान, बुलगान। धर्म है बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम। अगला हमारा देश है नेपाल। इसकी राजधानी है काठमांडू। इसे स्वतंत्रता मिली 1768 में पृथ्वी नारायण शाह से। यहाँ शासन प्रणाली है संक्रमणकालीन संसदीय लोकतंत्र। भाषा है नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू। मुद्रा है नेपाली रुपया। क्षेत्रफल है 1,47,181 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं चीन, भारत। प्रमुख शहर है काठमांडू, पोखरा, भरतपुर, महेंद्रनगर। धर्म है यहाँ का हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम। ठीक है, अगला एशिया में अगला देश है आपका ओमान। कौन सा देश है? ओमान है। इसकी राजधानी है मस्कट। स्वतंत्रता मिली 1650 में पुर्तगाल से। शासन प्रणाली है राजशाही सल्तनत। भाषा है अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, बलूची। मुद्रा है रियाल। कुल क्षेत्रफल है इसका 2,12,460 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन। प्रमुख शहर है मस्कट, निजवा, सुहार, धामारित। धर्म है मुस्लिम।
अगला देश है आपका पाकिस्तान। एशिया में अगला देश आपका क्या है? पाकिस्तान। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। इसे स्वतंत्रता मिली 14 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से। भाषा है पंजाबी, सिंधी, पश्तू, उर्दू, अंग्रेजी। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। क्षेत्रफल है इसका 8,03,940 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, भारत, ईरान। प्रमुख शहर हैं इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद। और जो इसका धर्म है मुस्लिम। ठीक है, अगला देश है आपका फिलिस्तीन, सॉरी फिलीपींस। इसकी राजधानी है मनीला। स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1946 को। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है फिलिपिनो अंग्रेजी। मुद्रा है पीसो। कुल क्षेत्रफल है 3 लाख वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश चारों ओर से समुद्र से घिरा देश है। प्रमुख शहर है मनीला, क्विजन सिटी, लेगेस्पी, सैन फर्नैंडो, और धर्म है ईसाई मुस्लिम। ठीक है, यहाँ आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 4 जुलाई को एक और देश है आपका कोई, ठीक है, वर्ल्ड में जिसे स्वतंत्रता मिली हुई थी, तो उस देश का नाम बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। अगला देश है आपका कतर। राजधानी दोहा। स्वतंत्रता मिली 3 सितंबर 1971 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली है राजशाही। भाषा है अरबी अंग्रेजी। मुद्रा है कतर रियाल। क्षेत्रफल है 11,437 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं सऊदी अरब। प्रमुख शहर है दोहा, अल बकराय, अल रयान। धर्म है मुस्लिम ईसाई। अगला है हमारा सऊदी अरब। इसकी राजधानी है रियाद। स्वतंत्रता मिली से 23 सितंबर 1932 को। शासन प्रणाली है राजशाही सल्तनत। भाषा है अरबी। मुद्रा है सऊदी रियाल। कुल क्षेत्रफल है 21,49,690 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, यमन। प्रमुख शहर हैं रियाद, मक्का, मदीना, जेद्दा। धर्म है मुस्लिम। ठीक है, जो आप मक्का मदीना का नाम सुनते हैं ये सऊदी अरब में है। ठीक है, याद रखिए। अगला आपका देश है सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। इसकी राजधानी है सिंगापुर शहर। स्वतंत्रता मिली 9 अगस्त 1965 को मलेशियाई संघ से। शासन प्रणाली है संसदीय गणतंत्र। भाषा है मंडारिन अंग्रेजी मलय। मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर। क्षेत्रफल है इसका 45,53,009 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है सभी ओर समुद्र से घिरा हुआ है। सभी ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसका प्रमुख शहर है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर। धर्म है बौद्ध, मुस्लिम, ताओ, हिंदू, ईसाई। ठीक है, अगला है आपका देश श्रीलंका। एशिया महाद्वीप में अगला देश है श्रीलंका। इसकी राजधानी है आपकी कोलंबो। क्या राजधानी? कोलंबो। इसे स्वतंत्रता मिली 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। क्या है शासन प्रणाली? गणतंत्र। भाषा है सिंगली तमिल। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और कुल क्षेत्रफल है 65,610 वर्ग किलोमीटर। इसका पड़ोसी देश है चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसका प्रमुख शहर है कोलंबो, मन्नार, जाफना, गाले। धर्म यहाँ का बौद्ध, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई। अगला देश है आपका ताइवान। कौन सा? ताइवान। तो इसकी राजधानी है ताइवान। को चीन अपना हिस्सा मानता है। इसकी राजधानी ताइपे। शासन प्रणाली है लोकतंत्र। भाषा है मंडारिन चीनी। मुद्रा है ताइवानी डॉलर। कुल क्षेत्रफल है 35,980 वर्ग किलोमीटर।
पड़ोसी देश है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश है। प्रमुख शहर है ताइपे, चीलम, चुगली, ताइतुम। धर्म है बौद्ध और ताओ। अगला देश है आपका सीरिया, इसकी राजधानी है दमिश्क और स्वतंत्रता मिली 17 अप्रैल 1946 को फ्रांस से। शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है अरबी, कुर्दिश, क्रिक क्रिश्चियन और मुद्रा है सीरियन पाउंड। कुल क्षेत्रफल है 185,180 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, तुर्की। प्रमुख शहर हैं दमिश्क, अलेप्पो, हिम्स। धर्म है आपका मुस्लिम। अगला देश है आपका तजाकिस्तान। कौन सा है? तजाकिस्तान। इसकी राजधानी है दुशांबे। इसे स्वतंत्रता मिली 9 सितंबर 1991 को और सोवियत संघ के विघटन के बाद। शासन प्रणाली है गणतंत्र। इसकी जो भाषा है ताजिक, उज्बेक, रूसी। मुद्रा है सोमोनी। क्षेत्रफल है इसका 1,43,100 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है तजाकिस्तान का? 1,43,100 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। प्रमुख शहर हैं दुशांबे, मोरगो, कुर्गुंटेपा, मुस। धर्म है यहाँ का मुस्लिम। ठीक है। अगला देश है आपका थाईलैंड। इसकी राजधानी है बैंकॉक। इसे स्वतंत्रता मिली 1238 में, अस्तित्व में आया था थाईलैंड। ठीक है। शासन प्रणाली है संविधानिक राजशाही। भाषा है थाई और अंग्रेजी। मुद्रा है भाट। क्षेत्रफल है 5,14,000 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है इसका म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, मलेशिया। प्रमुख शहर है बैंकॉक, लापांग, लानपांग, रचा, सीमा, सीमा, फिट, शानुलोक और धर्म है यहाँ का बौद्ध। अगला एशिया में अगला आपका देश है तुर्की। कौन सा है? तुर्की। इसकी राजधानी है अंकारा। स्वतंत्रता मिली 29 अक्टूबर 1923 को। शासन प्रणाली है यहाँ की संसदीय गणतंत्र और भाषा है तुर्क भाषा, कुर्दिश, डिमली। इसकी मुद्रा है तुर्किश लीरा। कुल क्षेत्रफल है 7,80,580 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है अर्मेनिया, अजरबैजान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, ग्रीस, ईरान, इराक, सीरिया। प्रमुख शहर हैं अंकारा, इस्तांबुल, सैमसन, ट्राइज, सीवास। धर्म है मुस्लिम। और फिर आपका अगला देश है तुर्कमेनिस्तान। एशिया में अगला देश क्या है? तुर्कमेनिस्तान। इसकी राजधानी है अस्काबाद। स्वतंत्रता मिली 27 अक्टूबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन से। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है तुर्कमेन रूसी, उज्बेक। मुद्रा है तुर्कमेन मानक। कुल क्षेत्रफल है इसका 4,88,100 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। प्रमुख शहर है अस्काबाद, बलकानाबाद, तुर्कमेनाबाद। धर्म यहाँ का मुस्लिम। कुछ अगला अपना देश है संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी। स्वतंत्रता मिली 2 दिसंबर 1971 को ब्रिटेन से। शासन प्रणाली है संघीय शासन। भाषा है अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी। मुद्रा है दिरहम। ठीक है। और इसका कुल क्षेत्रफल है 83,600 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं ओमान, सऊदी अरब। प्रमुख शहर हैं अबू धाबी, शारजाह है, दुबई। धर्म है मुस्लिम। अगला देश है आपका एशिया में उज्बेकिस्तान। इसकी राजधानी है ताशकंद। ठीक है। स्वतंत्रता मिली 1 सितंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन से। शासन प्रणाली है गणतंत्र और भाषा है उज्बेक, रूसी, ताजिक। मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम और कुल क्षेत्रफल है 4,47,400 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान,
और तुर्कमेनिस्तान। प्रमुख शहर है ताशकंद, नमांगन, समरकंद, तिरमिज। धर्म है मुस्लिम। फिर आपका यमन, इसकी राजधानी है साना। स्वतंत्रता मिली 22 मई 1990 को। शासन प्रणाली है गणतंत्र। भाषा है अरबी। मुद्रा है रियाल। क्षेत्रफल है इसका 527,790 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है ओमान, सऊदी अरब। प्रमुख शहर है साना, नस्तून, हुदायदा, एडन। और धर्म है आपका मुस्लिम। अगला देश है आपका वियतनाम। इसकी राजधानी है हनोई। स्वतंत्रता मिली 2 सितंबर 1954 को फ्रांस से। शासन प्रणाली है साम्यवादी देश। भाषा है वियतनामी, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी। और यहाँ की मुद्रा है डोंग। क्षेत्रफल है 329,560 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है कंबोडिया, चीन, लाओस, हनोई, हाइफोंग, होंगकांग, हो चिनमिन। और धर्म है बौद्ध ईसाई। तो चलिए एक बार हम लोग बात कर लेते हैं मैप्स में सभी देशों की, देश स्थिति देख लेते हैं एशिया के सभी देशों की। तो ये आपका ऊपर रूस, इसकी राजधानी है मास्को। ये आपका मंगोलिया, इसकी राजधानी उलनबटोर हो गई। ये आपका उत्तर कोरिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, यही मकाऊ, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये आपका न्यूगिनी, यहाँ आपका ब्रुनेई, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये आपका मालदीप है, ये आपका प्यारा भारत है, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ऊपर आपका कजाकिस्तान है, ठीक है, कौन सा, कजाकिस्तान। ये आपका ईरान हो गया, बहरीन, ओमान, यमन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, जॉर्डन, इराक, सीरिया, तुर्की, साइप्रस, लेबनान और इजराइल, ठीक है। ये थे आपके प्रमुख देश और उनकी स्थिति। तो अब बात करते हैं हम लोग एशिया की राजधानियां और प्रमुख नगरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे दिल्ली, आपका दिल्ली भारत की राजधानी और प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है। यह भारत का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी है आपका दिल्ली। अस्ताना यह कजाकिस्तान की राजधानी है। यह कजाक लोगों की बहुलता है। यह हस्तकला और शिल्पकला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपका। इस्लामाबाद यह नगर पाकिस्तान की राजधानी है तथा यहाँ का प्रमुख औद्योगिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी है। दिल्ली यह नगर पूर्वी तिमोर की राजधानी है। यह पूर्वी तिमोर का सबसे बड़ा औद्योगिक एवं सांस्कृतिक नगर भी है। माले यह द्वीपीय देश माले का राजधानी नगर है। यह एक प्राकृतिक खूबसूरत शहर है। यहाँ पर्यटन का अत्यधिक विकास हुआ है। ढाका ये नगर बांग्लादेश की राजधानी व देश का सबसे बड़ा नगर भी है। यह सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध। अंकारा यह नगर आपका अनातोलिया के पठार पर अवस्थित है। तुर्की की राजधानी व दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। यह यहाँ का प्रमुख व्यापारिक एवं औद्योगिक नगर भी है। यहाँ कार निर्माण, रसायन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित है। बगदाद यह टिग्रिस नदी के तट पर बसा इराक की राजधानी है। प्राचीन सांस्कृतिक व व्यापारिक नगर भी है। यहाँ रसायन, सीमेंट, खाद्य प्रसंस्करण और तंबाकू उद्योग प्रमुख है। यह इस्लामिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र में भी शामिल है। बिश्केक यह नगर किर्गिस्तान की राजधानी। यह वस्त्र एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर आपकी बंदर शरीफ बेगवान
बुनिए दुई पर्व स्थित बुर्नोई की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। यह एक आकर्षक सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ का पानी में लकड़ी के खम्भों पर स्थित महल आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहाँ से खनिज तेल व प्राकृतिक गैस का निर्यात भी होता है। फिर आपका एरूसलम बरस सागर के पास अवस्थित इजराइल की राजधानी यह प्राचीन सांस्कृतिक नगर है। यह इजराइल का धार्मिक नगर भी है। यहाँ विश्व तीन धर्मों ईसाई इस्लाम यहूदी का तीर्थ स्थल भी है। उलन बटोर यह मंगोलिया की राजधानी व देश का बड़ा नगर है। यह प्रमुख औद्योगिक एवं सांस्कृतिक नगर है। यह सीमेंट इंजीनियरिंग वस्तुएं एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है। बेरूत भूमध्य सागर के तट पर स्थित लेबनान की राजधानी यह लेबनान का सबसे बड़ा नगर व प्रमुख बंदरगाह है। इसे पश्चिम एशिया का पेरिस कहते हैं। यह एशिया यूरोप और अफ्रीका के क्रॉस रोड्स पर अवस्थित है। प्रयागराज बीजिंग यह नगर चीन की राजधानी है और यह जहाज निर्माण वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कार निर्माण रसायन उद्योग इंजीनियरिंग उद्योग का भी केंद्र है। तेहरान यह नगर ईरान की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा प्राचीन ऐतिहासिक नगर है। यहाँ की हस्तशिल्प कला विश्व प्रसिद्ध है। यह लगभग आधे से अधिक उत्पादों में सिगरेट जूते एवं सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख है। हनोई रेड नदी के तट पर अवस्थित यह नगर वियतनाम की राजधानी व प्रमुख व्यापारी व औद्योगिक नगर है। अभियांत्रिकी खाद्य प्रसंस्करण प्लांट एवं हल्के उद्योग का प्रमुख केंद्र भी है। दमिश्क यह नगर सीरिया की राजधानी व विश्व के प्राचीन शहरों में से एक है। यह नगर इस्लामिक संस्कृति का केंद्र रहा है। यह शिल्प कला व हल्के उद्योगों के लिए जाना जाता है। फिर आपका साना यह यमन की राजधानी व प्राचीन नगर है। यहाँ कॉफी का उत्पादन होता है। यहाँ का दारू लहजन महल प्रसिद्ध है। यह एक विशाल ज्वालामुखी डार पर बना है। मस्कट यह नगर ओमान की राजधानी यह देश का मुख्य बंदरगाह है। यहाँ से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का निर्यात होता है। जकार्ता यह नगर जावा द्वीप पर अवस्थित इंडोनेशिया की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया का कोलकाता भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह सूती वस्त्र तेल रबड़ इस्पात उद्योग जहाज निर्माण एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रमुख है। प्रयाग का मनीला यह नगर लुजोन द्वीप पर अवस्थित फिलीपींस की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। अंतरराष्ट्रीय चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा एशियन विकास बैंक का मुख्यालय भी यहीं अवस्थित है। आपका रामन मैग्सेस पुरस्कारों का वितरण यहीं से होता है। रियाद यह सऊदी अरब की राजधानी व महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। वह तेजी से आधुनिक शिक्षा केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ पर इस क्षेत्र का प्रथम महिला विश्वविद्यालय भी खोला गया। खजूर यहाँ का प्रमुख उत्पाद है। फिर आपका कुआलालंपुर यह नगर गेम्बक और कोलांग नदी के संगम पर अवस्थित मलेशिया की राजधानी यहाँ का पेट्रोनास टावर विश्व प्रसिद्ध है। फिर आपका अम्मान यह नगर जॉर्डन की राजधानी व प्रमुख औद्योगिक नगर है। जॉर्डन की परिवहन तंत्र का यह केंद्रीय स्थल माना जाता है। यहाँ सीमेंट वस्त्र एवं खाद्य प्रसंस्करण व तंबाकू प्रसंस्करण उद्योग काफी विकसित है। दोहा यह नगर कतर की राजधानी आपकी यह प्रमुख व्यापारिक औद्योगिक व शैक्षणिक नगर है। यहाँ दक्षिण एशिया मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। यहाँ से तेल व प्राकृतिक गैस का निर्यात किया जाता है। फिर आपका व्यंतीयान
यह नगर मेकांग नदी के तट पर स्थित है, लाओस की राजधानी व सबसे बड़ा नगर भी है। टिन सूती वस्त्र तथा लकड़ी काटना यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। यांगून मर्तवान की खाड़ी के तट पर अवस्थित म्यांमार का प्रमुख नगर है। यह प्रमुख औद्योगिक व बंदरगाह है नगर है। चावल लकड़ी मिल खाद्य प्रसंस्करण रसायन तेल शोधन व लोह इस्पात प्रमुख उद्योग है यहाँ के। आबू धाबी यह संयुक्त अरब अमीरात में की राजधानी व सबसे बड़ा शहर है। यह संयुक्त अरब अमीरात का प्रमुख तेल उत्पादक है। यहाँ उपतटीय एवं अपतटीय तेल क्षेत्र उपस्थित है। नोम पेन यह नगर मेकांग नदी तथा टोनले सैप नदी के संगम पर अवस्थित है और कंबोडिया की राजधानी। यह देश का सांस्कृतिक नगर भी। ताइपे ताइवान की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। यह प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित प्रमुख बंदरगाह नगर है। जहाज निर्माण इलेक्ट्रॉनिक सामान हार्डवेयर वस्तु उद्योग आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह ऊंची ऊंची इमारतों के लिए भी प्रसिद्ध है। ताशकंद यह नगर उज्बेकिस्तान की राजधानी व सबसे बड़ा नगर। इसके आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस कोयला जस्ता व अन्य खनिज पाए जाते हैं। अशगाबाद काराकुम नगर नहर के तट पर अवस्थित तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। यह काराकुम मरुस्थल में बसा है। कालीन बनाना काराकली खाल तैयार करने वाली टोपी बनाना फलों के डिब्बों में बंद करना सूती वस्त्र एवं शिल्प फलों को डिब्बों में बंद करना सूती वस्त्र एवं शिल्प कला यहाँ के प्रमुख उद्योग। फर्याक का दुशांबे यह तजाकिस्तान की राजधानी है। यह प्रमुख उद्योगिक एवं सांस्कृतिक नगर है। कोलंबो यह श्रीलंका की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। केलानी नदी के तट पर अवस्थित यह नगर श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। बैंकॉक यह नगर चाओ फ्राया नदी के तट पर अवस्थित थाईलैंड की राजधानी है। यह प्रमुख बंदरगाह व औद्योगिक नगर भी है। यह जलपोत निर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित है। टोक्यो यह नगर होन्सू द्वीप पर अवस्थित जापान की राजधानी व एक आधुनिक नगर है। यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर कार निर्माण सर्जिकल सामान उपकरण जहाज निर्माण इलेक्ट्रॉनिक सामान का प्रमुख केंद्र भी है। टोक्यो नगर में 100 से अधिक विश्वविद्यालय भी हैं। यह विश्व में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला नगर भी है। पर्याप्त का सियोल यह दक्षिण कोरिया की राजधानी व सबसे बड़ा नगर है। जहाज निर्माण कार निर्माण सीमेंट उद्योग रसायन उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग। बसरा यह नगर दजला फरात नदियों के संगम पर अवस्थित है। यह इराक का एकमात्र व सर्व प्रमुख बंदरगाह भी यह प्रमुख व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम खजूर आदि का निर्यात किया जाता है। पर्याप्त जेद्रा लाल सागर के तट पर अवस्थित यह नगर सऊदी अरब का प्रमुख बंदरगाह है। इसे सऊदी अरब का गेट भी कहते हैं। विदेशों से आने वाले हज यात्री इसी नगर के हवाई अड्डे से उतरकर हज करने मक्का जाते हैं। मौसूल इराक की उत्तरी भाग में अवस्थित देश का प्रमुख विनिर्माण केंद्र है। ठीक है, यहाँ पेट्रोकेमिकल्स इलेक्ट्रिक एवं खाद्य प्रसंस्करण की औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं। यहाँ से पाइपलाइन द्वारा तेल भूमध्य सागर तक पहुंचाया जाता है। फिर अगला आपका मांडली इरावदी नदी के तट पर अवस्थित म्यांमार का प्रमुख नगर। यह बौद्ध धर्म के विहारों एवं पेगोडा के लिए प्रसिद्ध है। चाय एवं वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। बांडुंग जावा द्वीप पर अवस्थित इंडोनेशिया का प्रमुख औद्योगिक व सांस्कृतिक नगर है। वान डुंग विश्व में सिंकोना का सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। इससे मलेरिया की दवा बनाई जाती है सिंकोना से। नगोया होन्सू द्वीप पर अवस्थित जापान का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह मोटर वाहन उद्योग के कारण
इसे जापान का रेडटाइड के नाम से जाना जाता है। यह रेशमी वस्त्र उद्योग का केंद्र भी है। संघाई यांग तीसिक्यांग नदी के तट पर अवस्थित यह नगर चीन का प्रमुख बंदरगाह भी है। यह विश्व का सबसे बड़ा गैर राजधानी नगर है। वस्त्र उद्योग, रसायन उद्योग, जहाज निर्माण, इंजीनियरिंग सामान का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का नगरीय विकास दुनिया का के लिए आदर्श है। इस्तांबुल यह नगर तुर्की का सबसे बड़ा नगर है। यह तुर्की ऐतिहासिक का एवं सांस्कृतिक नगर है। यह कॉस्मोपोलिटिन नगर है। यहाँ की सूफिया मस्जिद आर्किटेक्ट का अनुपम उदाहरण है। यह यूरोप और एशिया के बीच पुल का काम करता है। आबादान यह नगर ईरान का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ की तेल शोधन शाला विश्व की सबसे बड़ी परिशोधन शाला है, उनमें से एक है। यहाँ से तेल का निर्यात होता है, फलता इसे तेल का बंदरगाह भी कहते हैं। किरकुक यह इराक के कुर्द क्षेत्र में अवस्थित यह नगर प्रमुख तेल उत्पादन केंद्र है। यहाँ से टैप लाइन के द्वारा कच्चा तेल सीरिया के बनियास शहर का तेल परिशोधन हेतु भेजा जाता है। ठीक है, अरे आपका अदन यह यमन का प्रमुख बंदरगाह नगर है। पूर्वी देशों की यात्रा करने वाले जहाज यहीं पर ईंधन लेते हैं। यह अंतिम पोर्ट है। ओसाका होन्शु द्वीप पर अवस्थित यह नगर जापान का प्रमुख नगर व बंदरगाह क्षेत्र है। यहाँ जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है। इसे जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। यह विश्व के सबसे बड़े जहाज निर्माण केंद्र में से एक है। अरे आपका मकाओ यह चीन की अधीन के अधीन विशेष प्रशासनिक इकाई है। यह पर्ल नदी के मुहाने पर स्थित बंदरगाह नगर है। यह कैसीनो के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह पूर्व में पुर्तगाल सभ्यता का प्रमुख केंद्र भी रहा है। तो ये था आपका एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश और उनके राजधानी है। ठीक है, लगभग लगभग इसमें आपके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो सभी देख लिए। आगे बात करेंगे हम लोग यूरोप के देश देखेंगे और उनकी राजधानियां देखेंगे। ठीक है।